वाह, वही मेरा स्कूटर। वही चलो, कम से कम इस गेम में हमें चलना तो नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छे चाचा भतीजा। चाचू, स्कूटर तेज चलाइए। ओए, कितना ज्यादा प्रेशर है, गुब्बारों से बचो, कॉइन जमा करो। ओहो, चाचू स्कूटर को लेफ्ट की तरफ लीजिए। डंका टोलकी से पीछा छूटा। पीछे नहीं, ऊपर देखो। चाचू, स्कूटर की पिछली सीट को ऊपर करो। लेफ्ट दीजिए। लेवल टू जाने के दो रास्ते हैं, शॉर्टकट लें या लॉन्ग कट। आइडिया, हमें अपनी पहली लाइफलाइन यूज करनी है, रोलर स्केट्स। चाचू, स्कूटर छोड़ी रोलर स्केट्स उठाइए, हम शॉर्टकट लेंगे। चाचू, जब मैं कहूँ तब पीछे की तरफ छलांग मारना। अब लेवल वन कंप्लीट। ओए भतीजे, वो लेवल थ्री तक तो हम स्केट करते करते ही पहुंच जाएंगे। चाचू, लेवल टू से लेवल थ्री जाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए इस गहरी खाई को पार करना होगा। ओए सही कहा भतीजे, पर फिलहाल तो मैं बहुत थक गया हूँ, ताकत की बड़ी कमी महसूस हो रही है। हाँ चाचू, थक तो मैं भी गया हूँ। आइडिया, हमें अपनी दूसरी लाइफलाइन का इस्तेमाल करना है, मिमिक्री के पराठे। मिमिक्री के पराठे खाओ और अपनी थकान मिटाओ। उही उही, उही खाऊ चोर यहाँ आ रहा है। चाचू, अगर हमें गेम में बने रहना है तो हमें एनर्जी की जरूरत होगी। खाऊ चोर यहाँ तक पहुँचे उससे पहले हमें ये सारा खाना खत्म करना होगा। मेरा नाम है खाऊ चोर, ये दिल मांगे मोर। मेरे लिए कुछ भी खाना नहीं बचा। नहीं, चल भाग नीचे। वरना जितनी एनर्जी पाई है वो सारी इस खाऊसौरस से बचने में खर्च कर देंगे। आइडिया, चाचू खाई की तरफ भागो। चाचू, खाऊ चोरी हमें लेवल थ्री तक पहुंचाएगा। वेरी गुड भतीजे। लेवल टू कंप्लीट। शाबाश। चाचू, गेम में आगे खोजी अंकल की लैब बनी है, अगर हम वहाँ तक पहुँच जाएं तो असली दुनिया में खोजी अंकल की लैब में बाहर निकल आएंगे। कोजी भी गेम में है, ये हमारी मदद जरूर करेंगे।
अंकल कभी रेड चश्मा नहीं पहनते। चाचू रुको, ये खोजी अंकल नहीं मनमौजी है। ओए तोखा, भतीजे, बचा। भतीजे, अगर तुम जोगावर का मुकाबला करके उसे हरा दो तो यहाँ से बाहर जा सकते हो, पर अगर तुम हार गए तो जिंदगी भर इसी वीडियो गेम के अंदर फंसे रहोगे। देख लेंगे। ये तो चीटिंग है, भतीजा एक और जोगावर एक। मुझे अपनी आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करनी है, बंदूक ने की लात। ये तो खत्म नहीं होते और मेरी एनर्जी भी कम हो रही है। इनमें से सिर्फ एक जोगावर की परछाई पड़ रही है, बाकी किसी की नहीं, यानी असली जोगावर वही है। अगर असली जोगावर को मारूं तो सारे जोगावर खत्म हो जाएंगे। यहाँ जीत मेरी ही होगी भतीजे। भतीजे के होते चाचा को कुछ नहीं हो सकता। लेवल 3 कंप्लीटेड। चाचा भतीजा, असली फंटूस नगर में तुम्हारा स्वागत है। ओए खोजी सिंह जी, आपका वीडियो गेम जीतना तो सच में बहुत मुश्किल था। पर जिसके पास भतीजा हो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। मैं हूँ चाचू। अरे वहाँ से नहीं, यहाँ से काटो। अब इस धागे को जोड़ो। अब बराबर सिलाई करो। चाचा जी थक गया मैं, काश एक बार मुझे मेजरमेंट मिल जाता नाप नाप के। ओए शांताराम चल, तेरी मेजरमेंट के लिए एक बार बड़ा बन ही जाता हूँ। और तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। जिसके नसीब में जितना है उसे उतना ही मिलेगा। हाथ ऊपर उठा लो, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। ओए डंका, तू यहाँ क्या कर रहा है? चाचे तू अपने हाथ में क्या छुपा रहा है? ओ, 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 कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। चिच्चे रुक जा। ढोलकी वो मेरा है, दे मुझे। ये ले जिज्जे। हाँ ढोलकी, अब डंका बनेगा पहाड़। ओए जिज्जे कहाँ चले गए? ढोलकी मैं तो तेरे पास ही खड़ा हूँ। पास में? क्या मजाक कर रहे हो जिज्जे? और तुम्हारी आवाज ऐसे गूंज क्यों रही है, जैसे किसी पहाड़ से बोल रहे हो। अरे पहाड़ से नहीं बोल रहा। मैं तो खुद पहाड़ हो गया हूँ। ओए जिज्जे अब बता भी दो कहाँ हो। ओए जिज्जे ये सच में तुम हो? तुम पहाड़ कम और राक्षस ज्यादा लग रहे हो। ओए पकड़ लिया। तो दे, 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 दे मेरा नेकलेस। चाचू क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? ओए भतीजे, ओए मेरी छोड़। ओए अब तो फंटूश नगर की शामत आ गई है, वो ऊपर देख। हा 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 हा
अरे बचाओ बचाओ। रुको, डरो मत, हिम्मत से सामना करेंगे इसका। ये जरूर हमारी सिली हुई पतलून उठाएगा। सब लोग कस के पकड़ो इसे। चिच्चे, बड़े क्या हो गए, अपने ढोलकी को भूल गए? जरा हमें भी तो देखो। वाह जिज्जे, यहाँ से तो दुनिया का नजारा ही कुछ और है। जिज्जे वो देखो, कपड़े पहन लो। ये गर्मी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। खोजी अंकल, टंका ने नेकलेस पहन लिया। खोजी अंकल कुछ करो। लेकिन मुझे तो इसका एंटीडोट बनाने में टाइम लगेगा, और उसके लिए जो केमिकल चाहिए वो शहर के बाहर से आ जाएगा। खोजी अंकल, अब तो आपका केमिकल नहीं आ सकता, डंका ने फंटूश ब्रिज उठा दिया है। ओफो, अब क्या करें? खोजी अंकल, मेरे पास एक आइडिया है, आप उड़ने वाला घोड़ा सतरंगी मैदान में भेज दीजिए, जल्दी। ये, ये। रबावड़ी पूछ, भैंस की पूछ, और डंका तो 100 हाथी के बराबर हो गया सर, अब कैसे कंट्रोल करेंगे? बंदूकनी जी, हाथी के कान में जब चींटी जाती है ना, तो उसे पागल बना सकती है। ओए भतीजे, हम चींटी कहाँ से ढूंढेंगे? ढूंढने की जरूरत नहीं, वो तो मैं ही बन जाऊंगा। बंदूकनी जी, आप और बहादुर अंकल बड़े बड़े मिरर्स लेकर कुछ लोगों के साथ आसपास की सारी बिल्डिंग्स के टावर्स पर जाएंगे। चाचू, आप कुछ लोग लेकर डंका के पैरों के पास जाइए, और मैं सबको वॉकी टॉकी पे इंस्ट्रक्शंस दूंगा। चिच्चे, ये भतीजे का कुछ प्लान लग रहा है, जरा नीचे तो देखो। बंदूकनी जी, सबको मिरर रिफ्लेक्शन डंका की आंखों पर मारने के लिए बोलिए। चाचू, अब आप डंका के दोनों पैरों के पैंट के जो धागे निकले हैं वो आपस में बांध दो। भतीजे, पकड़ने के लिए पिंग पोंग ने नेट लाने के लिए बोला था, वो तो खुद ही नेट लेके भाग गया। ओए भतीजे, वो तेरे होते हुए पला चाचा को कुछ हो सकता है। अरे जिनसे ये नेट लिया था वो कहाँ गए? अरे भतीजा, ये तो मेरा नेट है, दो लोग मेरी दुकान से इसे चुरा कर भागे थे। हाँ, वो लोग चोर थे। चलो चोर न सही, लेकिन माल तो हाथ लग गया। थैंक यू भतीजा, थैंक यू वेरी मच। स्पेशल ट्रेनिंग अभी इसी वक्त।
चाचू, कंगफू चाचा ने स्पेशल ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। ओए भतीजे, हमें तो घूमने जाना था ना। अभी नहीं चाचू, बाद में, बाय। ओए इस कंगफू चाचा के चक्कर में भतीजा मेरे साथ टाइम ही नहीं बिता पा रहा है। देखता हूँ ये कंगफू चाचा ऐसी क्या स्पेशल ट्रेनिंग दे रहा है। अंदर और बाहर हर जगह जान रेडी है, अब देखते हैं कैसे बचता है भतीजा। आप जैसे ही उसे किक मार के खिड़की से बाहर फेंकोगे, हम नेट में उसे कैच कर लेंगे। हाँ जीते, और फिर म्यूजियम में आराम से चोरी करेंगे। भैया भतीजा आ गया, टेक योर पोजीशंस। भतीजा आज तुम्हारा ट्रेनिंग का आखिरी दिन, अब तुम्हारी परीक्षा है, अब करेंगे फ्लाइंग किक। रेडी भतीजा, जंप। ओए कहाँ फंसा दिया, ओए मैं मछली थोड़ी हूँ और जो मुझे जाल में डाल दिया। ये कंगफू चाचा ने इतनी जोर से लात क्यों मारी और मैं खिड़की से बाहर क्यों नहीं गिरा। अच्छा तो ये कंगफू चाचा के साथ मिलकर डंका ढोल की मुझे पकड़ना चाहते हैं। मुझे किसी भी तरह इनके जाल में नहीं फंसना है। तुम्हें हर खतरे के लिए रेडी रहना होगा, अब अंदर के रूम में तुम्हारी असली एग्जाम है। जिसके नसीब में जितना है उसे उतना ही मिलेगा। चुपचाप पड़े रहे चाचा, तू अब अपनी जगह से नहीं हिलेगा। वैसे तो कायदे से भतीजे को यहाँ होना चाहिए था, लेकिन तुम बीच में आ गए। कोई नहीं ढोलकी, अंदर पिंग पोंग भतीजे को दबोच लेगा। चलो भतीजे का किडनैप। भतीजा स्टार्ट। अरे पिंग पोंग जी, क्या कर रहे हो? वक्त निकलता जा रहा है और आपके सारे जाल नाकाम हो रहे हैं। दम लगा के ईशा। बहुत हुआ खेल, अब भतीजा तुम्हें मेरे साथ दो हाथ करने होंगे। डंका ढोलकी, ना ये पिंग पोंग मुझे पकड़ पाएगा और ना ही तुम लोग चोरी कर पाओगे, क्योंकि बंदूकनी जी ऑलरेडी वहाँ फोर्स लेके रेडी है। सुना पिंग पोंग जी, अब तो हम म्यूजियम में चोरी भी नहीं कर पाएंगे। ओ म्यूजियम, थैंक यू। बंदूकनी जी आप म्यूजियम पहुँच जाइए, इन्हें मैं संभालता हूँ। खुल गयी पोल, भतीजे ने फिर से उल्लू बनाया, उनको तो पता ही नहीं था म्यूजियम के बारे में। ना, 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 वही चाचा। ओए हाँ भतीजा,